हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग को जंगल को बचाना है कि नहीं बचाना है, क्योंकि अगर हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे तो हम लोग जंगल को कभी ठीक प्रकार से बचा नहीं पाएंगे। और जंगल को बचाना कितना ज़रूरी है ये आपको भी पता है, हम लोग को पता है, हम लोग सभी को पता है कि जंगल को बचाना है, लेकिन हमारी तरफ से जो प्रयास और जो एफर्ट किए जाने चाहिए वो प्रयास और एफर्ट पूरी तरीके से हम लोग नहीं कर पाए। उसमें जो जन सहभागिता है, पार्टिसिपेशन है, वो भी नहीं हो पा रहा है, और केवल कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, चंद लोग अगर जंगल बचाएंगे तो कभी जंगल बचने वाले नहीं हैं। तो हम लोग को सीरियसली सोचना होगा कि वाकई में हम लोग जंगल बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, या केवल इसी तरह से जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को विचार विमर्श करना होगा, सोचना होगा, बैठना होगा, मीटिंग करने से अगर होगा तो मीटिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा, एवेल्यूशन करना होगा, इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कुछ भी करना है करना होगा। लेकिन जंगल को तो हम लोग को बचाना है, हर हालत में बचाना है। जंगल को बचाएंगे तभी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है कि हम लोग जो है प्रकृति को बचा पाएँ या पर्यावरण संतुलन को फिर से कायम कर पाएँ। तो जंगल को बचाना है, हर हाल में बचाना है, और हम लोग को ही बचाना है, और इसके लिए कोई एलियन तो नहीं आएगा।